अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जिस तरह से स्कूल में होता है कि स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हर बच्चे को फॉलो करना होते हैं, इसी तरह से हमारा दीन इस्लाम है, इसके भी कुछ रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे दीन में यानी हमारे इस्लाम में कितने रूल्स हैं और हमें किन किन को फॉलो करना होता है। दीन के जो रूल्स हैं उनको कहते हैं अहकाम खमसा या अहकाम शरीयत। पहला है वाजिब। वाजिब का मतलब है ऐसे काम जिनका करना ज़रूरी हो और ना करने पर गुनाह या अजाब हो। मसलन नमाज पढ़ना, वालदैन का एहतराम करना, रमज़ान के रोज़े रखना और लड़कियों का हिजाब करना, ये सब वाजिबात की किस्में हैं। नंबर दो हराम, यानी वो काम जिनके करने पर अजाब है और ना करने पर सवाब है, यानी वो काम करेंगे तो गुनाह मिलेगा और नहीं करेंगे तो सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना और गाना वगैरह सुनना, ये सब गंदी बातें भी हैं और इन बातों से अपने आप को बचाना चाहिए। मुस्तहब वो काम है जिसके करने पर सवाब है और अगर नहीं करेंगे तो कोई गुनाह या अजाब नहीं है। मिसाल के तौर पर सदक़ा देना, अल्लाह को सदका देना बहुत पसंद है। नंबर दो बीमार की आयादत करना, यानी उनका हाल वगैरह पूछने जाना। और नंबर तीन सोने से पहले दुआएं पढ़कर सोना, बिस्मिल्लाह पढ़कर सोना। अब है नंबर चार। नंबर चार है मकरूह, यानी वो काम जिनके करने पर कोई गुनाह नहीं है लेकिन ना करने पर सवाब है, यानी अगर नहीं करेंगे तो सवाब मिलेगा, करेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर खाने पर फूंके मारना, खाने पे फूंके नहीं मारनी चाहिए क्योंकि मकरूह है। नंबर दो दिन में बैठ के पानी पीना, रात में खड़े होकर पानी पीना। और नंबर तीन उल्टे हाथ से पानी पीना, उल्टे हाथ से पानी पीना एक ही सांस में सारा पानी पी लेना, ये मकरूह है। अब आते हैं मुबाह की तरफ। मुबाह के मायने है वो काम जिसका करना और ना करना बराबर हो, यानी करेंगे तो कोई सवाब नहीं है और नहीं करेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है। मिसाल के तौर पर चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब मुबाह है, यानी अगर हम नहीं भी चलेंगे सारा दिन बैठे रहेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, सारा दिन चलते रहेंगे तो भी कोई सवाब नहीं है। लेकिन पता है हम अपने इन तमाम कामों को जो मुबाह हैं हम उन्हें सवाब में बदल सकते हैं, मुस्तहब में बदल सकते हैं। कैसे? वो ऐसे कि जब भी हम कोई काम करें तो नियत क्या कर लें, कुर्बतन इल्लाह, तो फिर हमारे सारे मुबाह काम हमारे लिए सवाब बन जाएंगे। यानी जब हम चल फिर रहे हों कुर्बतन इल्लाह, अगर हम खाना खा रहे हैं तो कुर्बतन इल्लाह, इस तरह सारे काम सवाब बन जाएंगे और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, अहले बैत भी राज़ी हो जाएंगे और हमारे प्यारे नबी भी हमारे कामों से खुश हो जाएंगे। तो अब कौन बच्चा मुझे कमेंट करके बताने वाला है कि अब वो ज़िंदगी में अपने हर काम की नियत क़ुर्बतन इल्लाह करने वाले हैं? एक सलवात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए और एक सलवात मेरे तमाम मरहूमीन के लिए पढ़ दीजिए।